ठीक है भाई, बड़ा ही सुंदर नंबर अभी आपने सुना बीके मधुआ राय वाले हमारे शंभू भाई की तरफ से। मैं जब नंबर छोड़कर गया तो उधर से चले बड़े ताम में, मार दूंगा, काट दूंगा, फाड़ दूंगा, गाड़ दूंगा। मुझे शंभू कहते हैं, मुझे बंबू कहते हैं, मुझे तंबू कहते हैं, मुझे गंबू कहते हैं। शंभू भाई, अगर गाल बजाने से ही रसियाबाजी होती तो 10,000 अखाड़े गा रहे होते रसियाबाजी में। तुम पार भी नहीं उखाड़ पाए, तुम्हारा पाला जो पड़ा अभी तक गाल बजाने वालों से पड़ा है। और सुनो, ना तो मैं तुमसे गालों में कमजोर पड़ूंगा, ना गाने में कमजोर पड़ूंगा। हमसे कह रहे हो लड़ाई की, यार लहंगा में दबक के सो जाओ। ईमानदारी से बताना दोस्तों, कमेटी को दोष दे रहे हो कि पक्षपात कर रही है, घड़ी दिखा रही है। जब तुम कछु गाओगे ही ना और रोम न रोओगे तो घड़ी तो अपने आप दिखेगी। ना तुम पहले नंबर पर गीत रख पाए, ना इस नंबर पर रख पाए। काहे की रसियाबाजी कर रहे हो? चनार मुरमुरा बेचो या बाजना में तो बढ़िया रहोगे। एक बहर चल रही थी दोस्तों, क्या गाई, ऐलान करके गए थे, बाजना गाजना लड़ना चाहिए। इधर से गाया था नहीं गाया था भैया, क्या दो लाइन का भी जवाब मिला? शंभू कहते हैं मुझे ना बेटा, सुने बोकु तो एक बात पर हर्षी आपने, जीपी शर्मा जी हम तुम तो बराबर के ही है। बाब रहूं मैं गौरी चाचा, बाब रहूं मैं तो हम तेरे चाचा है बेटा। एक सलाह दे रहे हैं, तू पागल खानो बरेली पहुंच गए, जल्दी चलो जा, नहीं जे हाल रहे तो घर बारे मार के निकाल देंगे। अब सुनो, इनकी तरह बकवास नहीं करूंगा, आपका मनोरंजन भी करूंगा और जैसा आदेश मिला है कमेटी का एक गीत भी रखूंगा बढ़िया। और शर्माती है मुझे, शर्माती है डीके भाई, मुद्दा नहीं है रसिया वालों पे, लंगोट गीली हो गई है, कलकत्ता मरोगे जाके। केवल एक यही ड्रामा है, कछु ना दी करो तो एक लिटा ले या लोड़िया बाप डार दे चुंदरी, पब्लिक ने का सहानुभूति में बहन बेटी वा रहे हैं, पैसा दे देंगे 10 रुपए उन्हें आए। तमाम रसिया वालों ने भयंकर ड्रामा बना रखा है, कछु ना दी को कलकत्ता कांड में कछु हेरो है, अब खाली कलकत्ता ही में घटना भई है। अरे डूब कर मर जाओ बहन चो, 12 साल की बच्ची और वो हरामखोर मोहित खान ने उसको नाबालिग कर दिया, यूपी में घटना नहीं हुई, दोष इनका नहीं है, केवल 37 को है। शुक्र मनाओ 37 पे ही रुक गए हैं ये, अगर 37 से आगे बढ़ जाते तो बहुत लंबी कहानी पहुंचती। हमसे कुछ गलतियां हो गई हैं, थोड़ा सा सुधार हो गया हरियाणा में, अब आगे विचार करना है। मेरी तरफ से मात्र एक चौक छंद का, जाको अंडरवियर देखोगे माचो को, माचो को ही चाहिए तो हिमालय को ले ले और तो चल ले तो माचो को मैं पहरवाऊंगो। हाँ जी मा साहब, करते रहो खत्म। हाँ मा साहब, तेरा खत्म मसालो है गयो, ये तेरा सब है गयो, अब कछु नाए तेरे पास, क्या तेरो खत्म मसालो है गयो और कछु नाए तेरे पास। और दोस्तों समझ में आ जाए तो तालियों का ही प्यार चाहिए बस। तेरे पास अरे घर घर में पलने लगे, घर जे कुत्ता खाए ले घास।
साथ सही हो तो समर्थन और बजाय रहे बेमतलब के गाले। बेटा ना होश की दवाई खाओ ना गुरु, ये असर इनको ही आएगा। हो या फिर अरे रे बेमतलब के गाज, अरे चाई नंबर पे देख लो तुम जाओगे राय को। अब सुनो, अरे ऐसी वैसी नारी ना हूं, ये ऐसी वैसी और कोई नारी ना हूं, अरे ठान जिगर में ठानी में, अरे ठान जिगर में ठानी में, अरे ठान जिगर में ठानी में, अरे एक दिन में भुला के मानू हाँ बदुर्योधन की। चंडी बनिया ले गया थ्री व्हीलर वाला बेगम 16 साल की। बुजुर्ग लोग बैठे उस्ताद गुरु गुलजारी लाल से बड़ा पूरी रसियाबाजी में कोई फटकेबाज हुआ नहीं है। अगर उस्ताद ने चांद पर हाथ फेरा दिया तो समझ लो सामने वाले खड़े का काम हो गया। ये गुरु की मिसाल के गैरों के चूल्हे पे तुमने चूल्हे चूल्हे पे तुमने कोई सदा परोसा से कोए, कोई सदा परोसा से कोए, कोई सदा परोसा से कोए, अरे कितने करो उपाय मगर नहीं मिटे कर्म को लेखो है, नहीं मिटे कर्म को लेखो है, नहीं मिटे कर्म को लेखो है। और चाहे जैसे हमसे गायले, अरे चाहे जैसे हमसे गायले, कोई चाहे जैसे हमसे गायले, हम
हमको ना है परे खोए, चाहे जैसे हमसे गाले कोई हमको ना है परे खोए। ये हमारे उस्ताद की बिल्कुल सत्य लाइन है। पैर छूके ने बेदर है, अगर बात बढ़िया लगे तो केवल पैर चाहूंगा बेटा। अरे हमको ना है परे खोए, अरे हम दे रसिया बाजी में घर फूंक तमाचा। और गुरु दो लाइन में भी कहूंगा क्योंकि बेटा मोहिया कह लंदे गुरु जी नेक रुक जाओ समझे करो ने भैया कह दू तुम बताओ ए? पीछे तक ताली उठा के बजाओ भैया एक बार ताली बजा दो सब जने। क्यों गुरु मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत घमंड करते हैं अपने ऊपर कि मैं शंभू बावड़े हूँ कुछ होता नहीं है तुम पे पूरी रात में गबता भी नहीं है क्योंकि तुम लोग जाने क्या करते हो यार कभी कुछ अच्छा ही खाया करो उल्टा सीधा खा के चले आते हो रसिया राम। सिंभू निसिंभू भय रंभ करंभ भय मधु के टब बल अपनो दिखाए गए बड़े बड़े तपधारी महिषासुर रक्त बीज मन में घमंड कर सर को कटाए गए। लियो छीन इंद्रासन असुरों का प्रशासन लियो छीन इंद्रासन असुरों का प्रशासन स्वर्ग में भी जाए के जे अप्सरा नचाए गए। अरे स्वर्ग में भी जाए के वो अप्सरा नचाए गए स्वर्ग में भी जाके वो अप्सरा नचाएंगे। और भांगड़े भैया तुम्हारी औकात क्या है अच्छे अच्छे रावण दैत्य दानव चले गए लड़के हार के चले गए और तुम तो यार मेरे इतनी औकात बताते हो तो मैं ये कर दूंगा कुछ नहीं होगा तुम पर। अरे स्वर्ग में भी जाके ये अप्सरा नचाए गए और अरे माँ से ही उत्पन्न माँ से ही उत्पन्न धरती माँ से ही संपन्न मैं करत तो सब माही में समाए का कह रहो तू। अरे हाथी के दांत के खिलौने बने भांति भांत शेर की खाल का पीर मन भाई है। बेटा जा छोड़ दे बहुत बुरी लगेगी बेटा डीके ये बादशाह है भटकन को बादशाह है गुरु फटका तो बहुत भाई देख यहाँ कहनी है तो क्या कह लेकिन सुबह का टाइम है अच्छी बात कर रहा हूँ भैया फटका नहीं गाऊंगा और अब देख लो फटका नहीं गाऊंगा तालियां बजाएगी पब्लिक। अभी अभी रुक जा बेटा बार बार जो कह रहा था ताली ताली अब देख ताली को मजा मैं दिखाऊंगा तो ताली होती क्या है। कोई कोई मस्त है दूध घी खाने में अरे कोई कोई मस्त है दूध घी खाने में कोई कोई मस्त है दूध घी खाने में अरे कोई कोई शराब की प्यालियों में मस्त है कोई कोई शराब की प्यालियों में मस्त है कोई कोई शराब की प्यालियों में मस्त है। जो नीचे का ही पूतरो तुमने देखो वो एक ड्रामा जाते बढ़िया कटोरा ले लो भीख मांग लो चारों तरफ जाएंगे और जब देखी का 10 रुपए ना मिले तो फिर ऊपर आए वो। हाँ यार पूरी दुनिया में हर आदमी अपने रंग में रंगा हुआ है किसी को भंग का नशा है कोई शराब का नशा करता है लेकिन हम क्या कह रहे हैं। अरे कोई कोई मस्त है रूद घी खाने में एक टांग ऊपर ही रखो एक टांग ऊपर ही रखो गुरु नियम मन तोड़ो। अरे कोई कोई मस्त है दूध घी खाने में अरे कोई कोई शराब की प्यालियों में मस्त है कोई कोई मस्त है गुटका तंबाकू में अरे कोई कोई पान और छालियों में कोई कोई पान और छालियों में मस्त है कोई कोई पान और छालियों में मस्त है कोई कोई मस्त है शुद्ध भाषा बोलने में शुद्ध कोई कोई मस्त है शुद्ध भाषा बोलने में कोई कोई बदतमीजी गालियों में मस्त है कोई कोई बदतमीजी गालियों में मस्त है जे कोई कोई बदतमीजी गालियों में मस्त है। और आदरणीय डंट वाले बाबूजी
और देखो ताली रुकेंगी नहीं। अरे कोई कोई बदतमीजी गालियों में मस्त है, और अगर बात बढ़िया लगे तो तालियों का शौक किसे होता है। कोई कोई बदतमीजी गालियों में मस्त है, अरे मर्द तो ये सारे मर्द हैं, अरे मर्द तो हमेशा रहते अपनी मर्दानगी में, ये हिजड़ा तो केवल तालियों में मस्त है, हिजड़ा तो केवल तालियों में मस्त है। हाथी के दांत के खिलौने बने भाते भात, शेर की खाल का ऊपर मन भाई है। तू चाहे जैसे गाले, फटका गाले, लटका गाले, सब भुलावे को तेरो, तेरे दंगल जो हुए सट्टे कुश्ती के हुए, तू जाए गाले यो मैं भाई गालूंगो, आज मालूम पड़ेगी तू का गावे वो। भैया एक बार सभी से मेरा निवेदन है, दोनों हाथ खड़े करके एक बार जयकारा बोलेंगे। बोलिए शेरा बल शेरा बाली मैया की जय, बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय, बोलिए बागेश्वरी वाली मैया की जय। हाथी के दांत के खिलौने बने भांति भांति, शेर की खाल का ऊपर मन भाई है। गेंडे की खाल को पहनते सिपाही लोग, गेंडे की खाल को पहनते सिपाही लोग, बकरे की खाल से वो ढोलक बनाई, बकरे की खाल से वो ढोलक बनाई है। पंचवटी पे जब मिर्गा पहुंचा तो मिर्गा को देख वो सिया ललचाई है, मिर्गा को देख वो सिया ललचाई है, मिर्गा को देख वो सिया ललचाई है। अगर बात अच्छी लग जाए तो तालियों का प्यार चाहूंगा। अरे मिर्गा को देख वो सिया ललचाई है, काहे को गुमान करे रे नर बाबरे, काहे को गुमान करे रे नर बाबरे, जा मानस की खाल का उठा मेरा भाई है, मानस की खाल का उठा मेरा भाई है। मेरे साथ हुई दिल्ली में घटना बड़े कमाल की। दोस्तों समय नहीं काटूंगा, आपका मनोरंजन भी करूंगा और मुझे गीत भी रखना है। अब इनका जवाब सुनो, अंडरवियर को अंडरवियर अंडर कर दूंगा आज तुम्हारे। हाँ बेटा, अरे ले गया धीरी पिलर वाला बेगम सोले। भैया कोई परेशानी तो ना, गुरु जो करें का जाए तो अंडरवियर है मोगा लंगो, कोई परेशानी तो ना भैया। चलो तुम ही गाओ, लेकिन मैं तुम्हारे संग संग गाऊंगा। कपड़ा वारो बन लो तो ये मेरा छोरा और मैं गई जाएगी दुकान पे, यानी गलत कर दो या वो पजम्मा कपड़ा खराब रहे हो। अब मैं क्या कह रहा हूं, 100 रुपए इस कविता पे प्रसन्न होकर बिरजा भैया बस्ता वाले देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मोल फरक मिलो है देखो के मोए फरक मिलो है देखो, अरे मोए फरक मिलो है देखो, फटका भी है और फटका है भी नहीं। मोए फरक मिलो है देखो चापनिया की बात में, अरे मोए फरक मिलो है देखो चापनिया की बात में। और भैया हाथ जोड़ के निवेदन है, कोई बुरा ना माने, क्योंकि बात कपड़ा वारे की चल रही है। हाँ बेटा, मोए फरक मिलो है देखो जापनिया की बात में। अरे तू खोल पजम्मा, कपड़ा खराब है ना, सही बात है, जापनिया की बात में, और मेरे संग संग साथ नहीं हो मेरो। अरे जापनिया, अरे बनिया की बात में है, अरे तू खोल पजम्मा लोड़ा दे दे जाई के हाथ में, ये तो बराबर की बात। अब चो दूंगो लड़ी हुई सुनो। अच्छा इतनी बुरी, ये तो कपड़ा बार हो और मैं किसान हूँ,
और जहाँ किसान ही बैठे हैं। अब जब मैडम से मैं कह रहा हूँ, क्या देव अब तुम मेरे हर को फारो बड़ो पेनो हरी रे मेरे हर को फारो बड़ो पेनो मेरे हर को फारो बड़ो पेनो के तेरो अरे तेरो खेत में खोदूंगो हर को फारो बड़ो पेनो तेरो खेत में खोदूंगो है। तुम घबराओ मत मैडम, हर मेरो बिल्कुल नए होए, मैं ही बूढ़ा हूं। तेरो खेत में खोदूंगो और पास अरे और पास मैं आलू कर दूं और पास करूं आलू बीच में मूरा बोए दूं अरे करना है तुम्हें विश्वास तो मोकू चाहे जैसे अजमाए ना तुम्हें विश्वास तमो को चाहे जैसे अजमाले अरे चाहे जैसे अजमाले तेरा कर दऊ सबरो खेत चीकनो देख ले हाथ फिराए ले अरे देख ले हाथ फिराए ले देख ले हाथ जा मैं एक दिन का ना छोड़ू अरे जा मैं एक दिन का ना छोड़ू अरे जा मैं एक दिन का ना छोड़ू तुम्हारे खेत में घास बहुत खड़ी है जा मैं एक दिन का ना छोड़ू अरे जा मैं एक दिन का ना छोड़ू मैं सबरी घास कटो दूंगो अरे मैं सबरी घास कटो दूंगो अरे और पास मैं आलू बीच में मूरा बो दूंगो दोस्तों मुकाबला जब दोनों का है तो गाने वाले का गाने से होगा और नाचने वाले का नाचने से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हाँ ये लड़का तो बहुत पुराना है, 3 साल से गा रहा है ये बच्चा, केवल 1.5 महीना हुआ है ये भी नहीं जानता कि रसिया बाजी कहते कैसे हैं। केवल आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद की जरूरत है। अब ये लड़का एक ऐसा खेल दिखाएगा, अगर वो सामने वाला कर जाए तो मुकाबला माना जाएगा सर। हाँ जी हाथ खड़ा करके बताओ। हाँ तभी हार जीत का फैसला हो। देख तेरे गाल तो मैं तोड़ रहा हूँ और तेरी बात छनरिया के गाल ये मेरा लड़का तोड़ेगा। और अगर जो बच्चा ये कलाकारी दिखा जाए और सामने ये कलाकारी दिखा जाए तो बात होगी, वरना फिर गाल बजाना होगा। कई का कार्य बूढ़े की, केवल 2 मिनट इस बच्चे का खेल और उसके बाद वो गीत गाऊंगा जो बाजना की जनता झोंकेगी कि हाँ साहब कोई अखाड़ा आया था। हाँ जी मस्त। एक मिनट बेटा, एक मिनट शंभू भाई, फिल्मी धनों की बहस कर रहे हो, हम तो चाय ना रे, लेकिन अगर चाहें तो चौचनाएं फार पाओगे, इतनी जानते हैं। और अब नमूना पेश कर रहा हूं एक छोटो सो, बजाइयो मास्टर मोहम्मद के शहर में। तुम मानोगे ना, रोटा बेटा क्यों आके रो रहा है मोहम्मद के शहर में। परशुराम मीठे मीठे बेटा, और जहां से मैं गा रहा हूं शंभू भाई वहीं से गाना। डीके भाई ये पुराने चामर हैं, अब वो इतनी क्षमता रखे 70-65 साल में कि बांध के ले जाएंगे ये ने। अब देखो कलाकारी बुढ़े की,
ऐसे ना नीचे घोटू टेक के होगी घोटन में दर्द है ज्यादा बेटा कोई बात ना आ जाए काय के लिए बैठो डीके जे दबा में जब मेरा जज पे चुनू महान कपालन जिन्होंने गाया है मैं तो उनका पासंग भी नहीं हूँ लेकिन कोशिश कर रहा हूँ शंभू भाई लगा देना ज्यादा नहीं 100 का नोट दे दूंगा केवल तुम लगाओगे जब मेरा जज पे चुनू औज कजीना होगा जब मेरा जज पे चुनू औज कजीना होगा चैन में आज से मटने का करीना होगा या मदीने में समा जाएगी सारी दुनिया या जमाने में मदीना ही मदीना होगा या नबी आपके जलबों में वो रानाई है देखने पर भी मेरी आंख तमन्नाई है हत्ता आला भी करीम और मोहम्मद भी करीम दो करीमों में गुनहगार की बन आई है मोहम्मद के शहर में मोहम्मद के शहर में क्यों आके रो रहा है मोहम्मद के शहर में क्यों आके रो रहा है मोहम्मद के शहर में क्यों आके रो रहा है मोहम्मद के शहर में और भैया ढोलक वाले हर मर्ज की दवा है मोहम्मद के शहर में अब टुकड़ा सुनिए ना जाने कैसे जी गई मोहन की लगन से ना जाने कैसे जी गई मोहन की लगन से बैठ जा बेटा अरे ना जाने कैसे जी गई मोहन की लगन से ना जाने कैसे जी गई मोहन की लगन से अरे ना जाने कैसे जी गई मोहन की लगन से कौन कौन जी गई मोहन की लगन से वो मीरा तो चेहरे पी गई मोहन की लगन से